हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौभाग्य एंड यू आर वाचिंग आर्ट एंड क्लिक। आज हम बात करेंगे कि पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन में स्क्रिबल कैसे करें, डिजिटल पेन से स्क्रिबल कैसे करें। 2016 में ये ऑप्शन अवेलेबल है और ये पहले मुश्किल होता था पावर पॉइंट में स्क्रिबल करना। पावर पॉइंट में बस आपको यहाँ पर जो डिजाइन ऑप्शन, यहाँ पर जो भी कुछ शेप्स ऑप्शन, ये सब में करना पड़ता था। बट एज ऑफ नाउ इन 2016 वर्सन आप ये कर सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको प्रेजेंटेशन मोड में जाना पड़ेगा F5 दबा के। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आते हैं, लेजर पॉइंटर, पेन, हाइलाइटर, इंक कलर, ये सारे ऑप्शन पे जाना है। इंक कलर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में रेड रहता है, आप दूसरा कलर भी चुन सकते हैं। और जाइए पेन पे, मैं पेन पे क्लिक करता हूँ। आप ये माउस में काम नहीं करता, माउस में काम करता है लेकिन प्रेशर सेंसिटिविटी काम नहीं करता, स्मूथनेस नहीं होता है। और आप प्रेजेंटेशन में आप ये पेन मोड में आप बढ़िया से काम कर सकते हैं। पेन में थोड़ा फ्लुएंसी ज़्यादा रहता है, फ्लो अच्छा रहता है, तो डिजिटल इंक का फ्लो अच्छा रहता है। तो ये देखिए जो कैसे बढ़िया से ये हो रहा है। और अगर आपको इरेजर की ज़रूरत होगा, इरेजर में थोड़ा सा लिमिटेशंस है। इरेजर में लिमिटेशंस ये है कि आप रिसेंट स्ट्रोक ही इरेज कर सकते हैं। ये देखिए एक एक होकर इरेज हो रहा है, तो अभी देखिए इरेज हो गया। नाउ गो बैक टू पेन। फिर से आप यहाँ पर मान लीजिए आप कोई भी चीज़, कोई ग्राफ सब समझाना चाहते हैं, सीधा आप स्क्रिबल कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक एक वाइट बोर्ड में जैसे आप प्रेजेंटेशन देते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ वाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन। तो आप अभी पावर पॉइंट का व्हाइट बोर्ड जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था। और एक चीज़ बता दूं कि इसमें प्रेशर सेंसिटिविटी बढ़िया से काम करता है। देखिए मैं ज़्यादा प्रेशर में किया और मैं कम प्रेशर में किया, देखिए थिन लाइन थिक लाइन से आ रहा है। आपको बस एक पेन टैबलेट लेने की ज़रूरत होता है। पेन टैबलेट 3-4 हज़ार में, मैक्सिमम 5 हज़ार तक बढ़िया बढ़िया पेन टैबलेट काफ़ी अच्छा क्वालिटी का मिल जाता है। और इसमें आप ये सारे स्क्रिबल्स कर सकते हैं। आप डाटा रिलेवेंट कोई चीज़ बता सकते हैं। और प्रेजेंटेशन के दौरान अगर आप स्क्रिबल करना चाहें, जैसे एक वाइट बोर्ड में जैसे आप जैसे कुछ भी ये करते हैं, फिगर्स मान लीजिए दिखाना चाहते हैं, सब कुछ, तो इट विल जस्ट बिहेव लाइक ए डिजिटल पेपर। डिजिटल पेपर आप कह सकते हैं या वाइट बोर्ड कह सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था। और एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर आप इंक चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इंक कलर, आप ब्लैक ले लीजिए। आप ब्लैक लेके किसी को ये भी कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स हैं। तो यहाँ पर आप येलो भी ले सकते हैं। ये येलो है, तो इसमें ये बेसिक कलर, ये 12 बेसिक कलर्स देता है, 5, 6, 10, 7, 11 बेसिक कलर्स देता है। तो 11 या 12 आप देख लीजिएगा। तो ये और हाइलाइटर भी आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए अगर प्रेजेंटेशन में कोई चीज़ है, आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, ये टेक्स्ट पर भी काम करता है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। और हाइलाइटर का इंक जैसे वहाँ पर फिर से इंक अगर चेंज कर लेंगे तो फिर वो भी और बढ़िया हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ये हाईलाइट हो गया, इट्स लाइक दैट। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था और ड्राइंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप इसमें यूट्यूब का वीडियोस भी बना सकते हैं, बहुत कुछ है। एप्लीकेशंस तो अनलिमिटेड है और काफ़ी कुछ आप इसमें कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ। इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हाँ, और एक चीज़ बता दूँ, सेव करना, कीप, आप इसको कीप करेंगे तो फिर ये आपका सेव होके रह गया। ये देखिए ये सेव होके रह गया। बहुत अच्छा चीज़ है, मतलब आप बेसिकली इसमें एक पेंट करके भी ये कर सकते हैं। आपको एक पेंटिंग दिखा देता हूँ। फिर से चलिए F5 में, नेक्स्ट में आइए, देखिए कितना बढ़िया पेंटिंग एक
ये हो गया पहाड़, ये हो गया लैंडस्केप, ये हो गया नदी, और ये हो गया पेड़, ये हो गया सूरज, ये हो गए चिड़िए। अभी आप हाइलाइटर पे चले जाइए। अभी आप हाइलाइटर पे चले जाइए और इंक कलर में इंक ले लीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया से मैं यहाँ पर इसको कलर कर दिया। देखिए बढ़िया सा पूरा एकदम। आप इसको इसमें प्रोफेशनल क्वालिटी के पेंटिंग भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रख के करना पड़ेगा, लेकिन प्रोफेशनल क्वालिटी के पेंटिंग भी कर सकते हैं। तो जो पहले एक स्पेसिफिक डिवाइस लेकर उसमें करना पड़ता था, अगर आपका मॉनिटर प्रेशर एनेबल्ड है तो फिर आप डायरेक्टली मॉनिटर पे भी काम कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है मैं बोलूँगा। और ऐसे करके मैं ये सारा चीज़ अभी इसको सब कुछ फिलअप करने में टाइम लगेगा, कलर वाला चूज करके बहुत कुछ करना पड़ेगा। बस आपको डेमो दिखाने के लिए मैं कर दिया। तो इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।